नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी मुकुल गोयल शुक्रवार को सुबह राजधानी लखनऊ पहुंचे और दोपहर को उन्होंने पुलिस महानिदेशक पद का कार्यभार भी संभाल लिया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को 23 जून बुधवार को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने शुक्रवार को कार्यभार संभाला है। इससे पहले गोयल बीएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक अभियान के पद पर तैनात थे। गोयल शुक्रवार को सुबह राजधानी लखनऊ पहुंचे और दोपहर को उन्होंने पुलिस महानिदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पूर्व पुलिस महानिदेशक एससी अवस्थी का स्थान लिया है, जो 23 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है। आज के दौर में पुलिस के काम में जब तक तकनीक का इस्तेमाल ना किया जाए, तब तक कमियां हमेशा रहती हैं। तकनीक का पुलिस के काम में इस्तेमाल कर लोगों को मजबूत व्यवस्था दे पाए, ये प्रयास उनका रहेगा। इंडियन प्राइम न्यूज से एडिटर अनिल तिवारी की खास रिपोर्ट।